अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स 2020 की जो डेट शीट है उसका ऐलान कर दिया गया है, और इस डेट शीट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्लूड की गई हैं, जो कि स्पेशल एग्ज़ाम्स में भी शामिल की गई थी कि ये जो एग्ज़ाम है ये डबल शिफ्ट के ऊपर होगा। साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के जो एग्ज़ाम्स हैं और उनका जो पर्चा है उसका डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, और फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और इसमें ये भी मेंशन किया गया कि अगर कोई कोई भी मसला हो जाए जिसकी वजह से कोई छुट्टी आए, तो उस छुट्टी का जो इतलाक जो है वो इस डेट शीट के ऊपर नहीं होगा, बकायदा पेपर जो है वो अपने इसी डेट शीट के मुताबिक जो है वो होंगे। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम की जो है ना वो आपको पता है कि टाइमिंग उन्होंने बना दी हुई। इसके अलावा पहले मरूजी पर्चा दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो इंशाइया पर्चा दिया जाएगा, और SOPs पे मुकम्मल अमल करना है, और इसके साथ साथ जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर मैंशन कर दी गई है। देख सकते हैं कि क्लास दहम के हवाले से ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला डेट शीट इम्तिहान सेकेंडरी स्कूल पार्ट सेकंड क्लास दहम सप्लीमेंट्री 2020 मेंशन है, और यही डेट शीट तमाम बोर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। अभी ये बोर्ड की साइट्स पे नहीं आई, लेकिन ये मेरे पास किसी सोर्स के थ्रू आ गई है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें आप कायदा तौर पर देख सकते हैं क्लास दहम, क्योंकि एग्जाम सिर्फ क्लास दहम के होंगे, तो बरोज जुम्मा तो मुबारक शाम के पर्चे का आगाज तकरीबन 2:30 बजे के बाद दोपहर को होगा, और जबकि देखें ये November 7, 11, 2020 को पहला पेपर जो हफ्ता केमिस्ट्री है वो हफ्ते को केमिस्ट्री का है, उसके बाद दूसरे टाइम जो है जनरल साइंस, उसके साथ ये जो कंपलसरी यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो भी मेंशन है। इसी तरह 9th को जो है वो अंग्रेजी का होगा, अंग्रेजी कंपलसरी यानी कि इंग्लिश लाजमी का। इसके साथ 10th को जो है वो मंगल मुतालिया पाकिस्तान ओल्ड कोर्स के हिसाब से, और इस तरफ जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। इसके साथ 11th को जो है वो बायोलॉजी है जो बुध बनती है, और इसी तरह पंजाबी और फिर दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और जुमेरात को उर्दू लाजमी है, और इसी तरह इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दूसरी तरफ होंगे। 13 तारीख जुम्मा को जो है इस्लामियत लाजमी, और फिर दूसरी तरफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और 14 तारीख को बाकायदा जो है वो हफ्ता है और फिजिक्स का और स्विक्स का, और दूसरी तरफ इस्लामियत अख्तियारी का जो है वो 14 को होगा। 16 तारीख को सोमवार रियाजी साइंस ग्रुप पहला ग्रुप, और दूसरे ग्रुप में रियाजी साइंस ग्रुप के साथ आर्ट्स ग्रुप, और इसी तरह फर्स्ट ग्रुप में भी आर्ट्स मैथ जो है वो शामिल होगा। और मंगल 17 को जो है वो तारीख पाकिस्तान और फिर इलेक्टिव जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे वो शामिल कर दिए जाएंगे। इसमें कुछ हदायत दी गई हैं कि रोल नंबर स्लिप लाजमी लेके आए, इम्तिहान में आधा घंटा पहले आने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका जो है वो इम्तिहान ना देने की सूरत में नतीजा मनसूख कर दिया जाएगा और आपको फेल तसव्वुर किया जाएगा। कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, लेड पेंसिल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके रोल नंबर स्लिप पे भी मेंशन होंगी, और बाकी चीज़ें रोल नंबर स्लिप इंशाल्लाह जल्द ही आपके तक मसूल हो जाएंगी। तो ये डेट शीट है, और इसके मुताबिक ही आपके आपके जो एग्जाम्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल SJ Thoughts को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।